हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। देखिए आप लोगों के सेवा में आप लोग के सामने हमारे मानी बहुत महर्षि दयाराम की संगीत का आनंद लीजिए। ये आप लोगों को सेवा में ये हमारे गंगा कैसेट दिल्ली वाले इनके सौजन से ये सब प्रोग्राम और दयाराम को हो रहा है। और संगीत का नाम आप लोग सुनिए, संगीत का नाम आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। किस्मत का चक्कर उर्फ गद्दार मैनेजर, किस्मत का चक्कर उर्फ गद्दार मैनेजर, बोलो शंकर भगवान जय। हमारे सेठ महेश आप लोगों को सेवा में पधार रहे जी। राम 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 राम। कहिए और तो सब ठीक है ना? और सब ठीक है सेठ जी, सब बढ़िया है। साथियों आप सब मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम महेश है। एक छोटा भाई है जिसका नाम गणेश है। मेरे पिताजी का नाम श्री गौरी शंकर था। वह आज के 15 साल पहले दिल्ली गए हुए थे लेकिन आज तक घर वापस नहीं आए। मैंने उनकी बहुत खोजबीन की, बहुत पता लगाया लेकिन कहीं पर उनका पता ना चला। पिताजी के वियोग में मेरी माताजी ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। और इसी बिजनौर के सेठ सत्य प्रकाश की बेटी विद्या से मेरी शादी हो गई। विद्या जब अपने मायके से ससुराल आई तो काफी दौलत लेकर आई। आज मेरे पास गाड़ी बंगला मील सब कुछ मौजूद है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ये सेठ सत्य प्रकाश की देन है। लेकिन रामू इतना सब कुछ रहते हुए भी मैं एक बात से दुखी रहता हूँ रामू। वो किस बात के लिए आप दुखी रहते हैं सेठ जी, बात क्या है? दुखी मैं इसलिए रहता हूँ, जो मेरा छोटा भाई गणेश है भगवान ने उसके दोनों हाथ में कोर दे दिया है। वो अपने हाथों से खाना नहीं खा पाता, मैं ही अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ और हर समय हर घड़ी परेशान रहता हूँ। सेठ जी चिंता करने कोई बात नहीं है, ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। सेठ जी घबराने कोई बात नहीं, चिंता न करें, सेठ जी सब मालिक सब ठीक कर देगा, इससे कोई बात नहीं। ठीक है भारत देशवा की धरती, भारत देशवा की धरती, महान बबुआ महान बबुआ, जन्मे कितने वीर होला गुड़ गान बबुआ, जन्मे कितने जन्मे कितने वीर होला गुड़ गान बबुआ। गांधी जवाहर और सुभाष जी की गाथा, गांधी नाना साहब तिलक राज गोखले थे ज्ञानी, नाना साहब तिलक राज गोखले थे ज्ञान।
साहब। नाना साहब तिलक राज गोखले थे ज्ञानी, शासन अंग्रेजी अमर भई कहानी, शासन अंग्रेजी बाबा साहेब बनवे सारा संविधान बबुआ। जन्मे कितने बीरी होला गुणगान बबुआ, जन्मे कितने देश खुशहाल बहे गंगा की धारा, देश खुशहाल बहे गंगा की धारा, देश खुशहाल इनकलाब जिंदाबाद के लगावै नारा, बाद के लगावै नारा इंकलाब। हीरा अनवर जय जवान जय किसान बबुआ, हीरा अनवर जय जवान जय किसान बबुआ। जन्मे कितने बीरी होला गुणगान बबुआ, जन्मे कितने हीरा अनवर जय जवान जय किसान बबुआ। जन्मे कितने बीरी होला बबुआ। क्या बताऊं, मैं जिसीलिए परेशान हूं परेशान ही हूं। प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार। प्राणनाथ जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? किस चिंता से पिया गए बदन कुम्हिलाई, आई हूँ जब से के घर में खुशी तुम्हें ना ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या दिक्कत है जो कि आप रात दिन चिंतित रहते हैं, हर समय सोचते रहते हैं। मैं जब से आपके घर में आई हूं एक पल में आपको खुशहाल नहीं देखती हूं, ऐसी क्या बात है? क्या राजी प्राणनाथ? सुनना अगर हो चाहती, सुनो प्रिय सच हाल, गणेश विरह में हर
घड़ी रहता हूँ बेहा। मैं अपने भाई गणेश के लिए हर समय हर घड़ी परेशान रहता हूँ। प्राणनाथ, आपने भाई गणेश चिंता में रात दिन परेशान रहते, अगर मेरी बात मानो तो। क्या भूल गाड़े को दिल से जाओ पिया, भूल भूल गणेश को दिल से जाओ पिया, उसके खातिर न तन को जलाओ पिया, उसके खातिर उसे देखती हूँ खिड़ा मन में होती। क्या तुम मेरे भाई गणेश को जब देखती हो तुम्हारे मन में घृणा भर आती है? हाँ प्रणाम, उसे देखती हूँ घृणा मन में होती, मान कर कहना घर से भगाओ पिया, प्राणनाथ आप मेरी बात मानिए तो अपने भाई गणेश को अपने घर से भगा दीजिए, उसे अपने दिल से आप बिल्कुल जुदा कर दीजिए, क्योंकि जब मैं उसको ही गणेश को देखती हूँ मेरे मन में घृणा भर जाती है। बात तो ऐसी क्या प्यारी समाई जिगर में, बात ऐसी क्या प्यारी समाई जिगर में, और उसे भूल कैसे मैं जाऊं अधर में, कमाने के काबिल न मालिक बनाया, और कहूं साफ प्यारी रहेगा इस घर में। मेरे भाई गणेश से तुम इतना घृणा क्यों करती हो? मेरे भाई को भगवान ने इस दुनिया में ऐसे काबिल बनाकर नहीं भेजा कि वो कायदे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। मेरा लाचार भाई कोढ़ी गणेश परेशान है, मैं अपने हाथों से उसको खाना खिलाता हूँ, और तुम कह रही हो कि ऐसे भाई को घर में रखने से क्या फायदा। मैं अपने भाई को अपने साथ इसी घर में रखूंगा, समझी? समझ गई, आप अपने भाई गणेश को अपने घर से भगाना नहीं चाहते हैं, उसे आप अपने मन से अपने दिल से जुदा नहीं करना चाहते। अरे प्राणनाथ, जरा आप सोचिए, आप तो प्रतिदिन खाना पीना करके घर से मेल चले जाते हैं, यहाँ पर तो देखना मुझे पड़ता है। तुम्हें क्या देखना पड़ता है? हमें ये देखना पड़ता है कि उसी कोढ़ी गणेश की वजह से, उसी कोढ़ी गणेश की वजह से मेरे दरवाजे पर कोई आना नहीं पसंद करता, कोई बैठ के दबाते नहीं करता है, मुझसे सब घृणा करते हैं, घृणा। अरे प्राणनाथ, ऐसे कोढ़ी भाई को
ऐसे कोड़ी भाई को पास में रखने से क्या फायदा? मेरे लाचार कोड़ी भाई गणेश की वजह से मेरे दरवाजे कोई आना पसंद नहीं करते। कोई नहीं आता है। और तुमसे बैठकर दो बातें नहीं करना चाहते। कोई नहीं करता है। विद्या कान खोल कर सुन लो, मेरा भाई गणेश मेरे साथ रहेगा, मेरा भाई गणेश मेरे साथ रहेगा, चाहे मेरे दरवाजे कोई आए या ना। खैर इन बातों को छोड़ो, मेरे गणेश भाई का खाने का वक्त हो गया है और मैं कुछ जरूरी काम से मिल जा रहा हूँ। आज तुम ही जाकर मेरे भाई गणेश को खाना खिला दीजिए। क्या मैं ले जाके खाना खिला दूं? कान खोल के सुन लीजिए, मैं उस कोड़ी गणेश के पास कभी नहीं जाऊंगी। अगर आपको खाना खिलाना है तो मैं जा रही हूँ, खाना ला करके आपके हाथ में दे दूंगी। आप स्वयं जाके अपने उस कोड़ी भाई को खिला देना, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। क्या बताऊं, ये मेरे भाई से इतना घृणा क्यों कर रही है? पता नहीं विद्या को क्या हो गया है जो इस तरह से परेशान कर रही है। मेरे भाई गणेश को खाना नहीं खिला सकती? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे मेरे घर कोई बला आने वाली है। क्या बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है विद्या को क्या हो गया है, मेरे भाई से इतना घृणा क्यों कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा भाई भूखा होगा, मैं चल रहा हूँ अपने भाई गणेश को खाना खिलाता हूँ। तू मुझे किस जन्मों के किस कर्मों की सजा दे रहा है जो कि आज मेरे दोनों हाथों में कोड़ दे दिया है? आज तूने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि आज मैं अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकता। इस जिंदगी से तो यही अच्छा था मालिक कि बल्कि मेरी मौत दे देता। अजी मेरी ख्वाजा ये बिगड़ा बना दो मुकद्दर हमारा। ये
बिगड़ा बना दो मुकद्दर हमारा, आया हूँ गलियों में बन कर सवारी, आया हूँ गलियों में बन कर सवारी, हिरू दर बदर गम का मारा मारा, आया हूँ गलियों में मुरादों की झोली है खाली हमारी, नजीरे इनायत हो ख्वाजा तुम्हारी, मुरादों की झोली है खाली हमारी, नजीरे इनायत हो ख्वाजा तुम्हारी, मानू गए हिस्सा उम्र भर तुम्हारा, मानू गए हिस्सा उम्र भर तुम्हारा, ये बिगड़ा बना दो मुकद्दर हमारा, फैलाए तेरे दर पे ये दामन, आया है ईमान लेकर के लल्लन, चालिक फैलाए तेरे दर पे ये दामन, सारे जहां में है नाम तुम्हारा, सारे जहां में है नाम तुम्हारा, ये बिगड़ा बना दो मुकद्दर हमारा, मेरी ख्वाजा ये बिगड़ा बना दो मुकद्दर हमारा, गणेश मेरे भाई क्या करोगे भाई, जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, होनी प्रबल होती है होकर रहती है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे भूख लगी है, मैं खाना लेकर आया हूँ, लो खा लो मेरे भाई, क्या खाना खाते वक्त तेरी आंखों से आंसू, बात ऐसी क्या गणेश भाई मेरे, जो कि आंखों से आंसू बहा तू रहा, पाई तूने कमी क्या हमारी विरल, जो कि रो रो के मुझको रुला तू रहा,
मेरे भाई आज बात क्या है जो खाना खाते वक्त तेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं? तू रो रहा है और मुझे भी रुला रहा है। अरे मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी पाया भाई जो रो रहा है और मुझे भी रुला रहा है? अरे रोता हूँ भैया मैं अपनी तकदीर पर, थोड़ी तन जो हमारे भयानक हुआ, इतना लाचार मालिक मुझे कर दिया। रोटी खाने को मजबूरी मैं हो गया। मेरे भाई मैं तो अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ बड़े भैया कि ऊपर वाले ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि आज मैं अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकता। देन भगवान की क्या करोगे बिनानी, चोर उस पर किसी का है चलता नहीं, सब्र से काम लो बसे कहूंगा यही, जो लिखा भाग में वो है मिटता नहीं। गणेश मेरे भाई ये तो भगवान की देन है जो कि तुम्हारे दोनों हाथ में कोल है, क्या करोगे भाई क्या करोगे? जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। चलो अंदर चलो, आखिर हम तो तुम्हारी देख रेख बराबर करता हूँ, मेरे ना रहने पर तेरी भाभी तो है। अरे सब्री कैसे करूँ, सब्री होता नहीं, हर तरह से हूँ भैया गया उब मैं, जी में आता है भैया यही बसी मेरे, कहीं दरिया में जाके मरू डूब। भैया मैं किस तरह से सब्र करूं मेरे भाई, मैं किस तरह से सब्र करूं? अब तो एक पल भी मुझे सब्र नहीं होता, जी में यही आता है कि कहीं पर कोई किसी दरिया में जाकर अपनी डूब कर जान दे दूं मालिक। और भाभी की बात कर रहे हो, भाभी की बात मत करो भैया। क्यों क्या बात, वरना मैं और टूट जाऊंगा। आखिर क्या बात है मेरे भाई? तुम्हारे ना रहने पर भाभी माता ने तुम्हें मेरे ऊपर मेरे सामने रोटी का टुकड़ा फेंक कर चली जाती है। मैं किसी तरह से उस रोटी को अपने घुटनों से उठाकर खा लेता हूँ, लेकिन आपसे कभी कहा नहीं भैया। भाभी माँ ने तो कई बार कहा कि अरे कोढ़ी तू मेरा घर छोड़कर चला क्यों नहीं जाता। मैं चला गया होता मेरे भाई, मैं चला गया होता, लेकिन मुझे तो आपकी ममता ने रोक रखी। गणेश 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 बस करो भाई बस करो, चलो अंदर खाना खा लूं मेरे भाई।
ले गर इजाजत पिताजी तुम्हारी। किस अकल से काम लूं कुछ समझ आती नहीं, कैसे जाए गणेश घर से राह कुछ दिखाती नहीं।